तो आईपीएल की सबसे बड़ी खबर और इस टाइम की टॉप खबर यह है कि मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से तोड़ दिया है। बहुत ही आसान जीत बेंगलुरु पर मुंबई की, और 7 विकेट से मुंबई इंडियंस ने यह मैच जीतकर आईपीएल का अपना दूसरा मैच जीता है। और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले 6 मैच में से पहले 5 मैच हार चुकी है। बेंगलुरु ने आज 197 रन का लक्ष्य दिया था, 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पारी खेली और 7 विकेट से बहुत ही आसान जीत मुंबई इंडियंस ने दर्ज करी आरसीबी के ऊपर। ईशान किशन ने जबरदस्त 69 रन की पारी खेली, वहीं सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त 52 रन बनाकर बेहतरीन वापसी करी है इस आईपीएल में। इंजरी की वजह से सूर्य कुमार यादव बाहर थे, लेकिन आज की जो इनिंग्स है उससे दिखा दिया सूर्य कुमार यादव ने कि क्यों उनको T20 का सबसे जबरदस्त बैट्समैन माना जाता है। लेकिन जो 2 बैट्समैन बाद में आए जिन्होंने फिनिशिंग टचेस दिए और मुंबई को पार लेके गए, वो थे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और हार्दिक पांड्या आज बता के गए कि भैया वो थोड़ा बहुत अपने प्रेशर से हट चुके हैं। जब उनको ऑडियंस का सपोर्ट मिलने लग जाए, जो सारा क्राउड वहां पे स्टेडियम में था, जब वो हार्दिक चैंट करने लगे तो हार्दिक को भी जोश आ गया, और आते ही पहली बॉल पे उन्होंने छक्का मारकर ये बता दिया कि हम ये गेम जीतने आए हैं, और सिर्फ गेम नहीं जीतेंगे बल्कि मुंबई के फैंस का दिल भी जीतेंगे। बिल्कुल। बाकी आरसीबी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो टीम बिल्कुल ना सुधरे और बार बार हारती रहे उसे आरसीबी कहते हैं। बिल्कुल, और आरसीबी ने दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल के पूरे इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम है, बिल्कुल पॉइंट टेबल में नीचे से ऊपर बिल्कुल। और आरसीबी इतनी गंदा क्रिकेट खेल रही है, लगातार 6 मैचों में 5 हार के साथ उन्होंने अपना जो लास्ट स्पॉट के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ जबरदस्त जिगरा चाहिए। बिल्कुल, गंदा परफॉर्म करने के लिए जिगरा चाहिए। आप बार बार एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं साल दर साल, आपके उनके फैंस, हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है जीतने का, हमारा एम ही नहीं है जीतना। हम बिल्कुल लेकिन भी नहीं आएगा, हम नीचे जाएगा। चलिए पब्लिक कॉमेंट्स की तरफ चलते हैं, द क्रिकेट शो का सबसे बेहतरीन सेगमेंट जहां पर जो पब्लिक है वो क्या बोलती है वो हम फीचर करते हैं। दीपक तिवारी कह रहे हैं कि सूर्य, अच्छा दीपक तिवारी ने भी आज अर्ज किया है, हाँ इरशाद कीजिए दीपक जी। दीपक जी कह रहे हैं कि सूर्य, ईशान और रोहित ने लगाए गगनचुंबी छक्के, बेंगलुरु वाले रह गए भैया हक्के वक्के, बताइए जरा। और दीपक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य, ईशान और रोहित ने फेंटी लगाई है आज आरसीबी के बॉलर्स को, 196 रन बनाए थे आरसीबी ने, ऐसा लग रहा था का टारगेट था 97 का टारगेट था। मुंबई किस हिसाब से इतने जल्दी जल्दी कर रही थी, मुझे तो लग रहा था घर के जल्दी जाना था उनका, आगे का कोई मैच है जो अड़ रहा था, ट्रैफिक के चक्कर पड़ रहे थे, टाइम से पहले क्या थी भाई साहब, बिल्कुल टाइम से पहले पहुंचना था, मुझे ऐसा सा लगता है उनको, और उन्हें शायद ये भी बताया गया था कि सिर्फ 15 ओवर का ही मैच है। मेरे को लग रहा है मुंबई की टीम को बोला हुआ था उनकी मम्मियों ने कि भैया गैस पे दूध रखा है, जाके फटाफट से बंद कर देना, उन्होंने कहा ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए पहले जल्दी चलते हैं। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में, दूसरा कमेंट आ गया है हमारे पास कन्हैया लाल जी का, कह रहे हैं मुंबई और चेन्नई का जो मैच है उसे किसी और कोई स्टेडियम में खिलाया जाए, मुंबई में नहीं होना चाहिए। कन्हैया लाल जी का घर शायद स्टेडियम के पास है, बार बार उनके जो घर के शीशे शायद वो टूट रहे हैं क्योंकि इतने छक्के लगा रहे हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर, और मुंबई इंडियंस की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। चेन्नई बीच में कहां से आई है, आप कहीं बैंगलोर कहना चाह रहे थे, चेन्नई आपने कह दिया, वैसे कह दिया, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई और चेन्नई बाद में ड्यू फैक्टर आ जाता है शायद, और बहुत से कैप्टन होते हैं वो बाद में वो कहते हैं कि वन साइडेड गेम बन के रह गई है, तो क्या ये एक टेक्निकल रीजन है। देखिए आप एक्सपर्ट है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और टेक्निकली बढ़िया बात बोल, क्या बोलती पब्लिक में। अजय मिश्र का अगला कॉमेंट है, कह रहे हैं मुंबई इंडियंस कछुए की चाल चलते हुए अपने विजय के लक्ष्य को प्राप्त करती है, इस बार भी चैंपियन बनकर रहेगा। तो अजय जी की ये बड़ी उन्होंने एक बात बोली है कि मुंबई इंडियंस जिन्होंने शुरुआत काफी स्लो करी थी हर साल की तरह, इस साल भी उन्होंने हार के साथ शुरुआत करी थी, अजय जी की ऐसा लग रहा है कि वापसी कर सकती है। अजय जी की बात से मुझे कुछ याद आ रहा है कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर जो सारे लोग पहले हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल कर रहे थे, अब अचानक से जो कह रहे थे मुंबई का इस बार कुछ नहीं होगा, आरसीबी से भी गंदी परफॉर्मेंस रहेगी पूरे सीजन में, अचानक से अब लोग कह रहे हैं कि मुंबई ये सीजन जीत भी सकती है। लेकिन मत भूलिए मुंबई ने इस
सीजन की दो सबसे पिटी हुई टीमों को हराया है, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी को, और अभी इस टूर्नामेंट की, इस आईपीएल 2024 की बड़ी टीम का हाथ रखो थोड़ा है? दिल्ली के भी थोड़े फैंस हैं, आरसीबी के भी थोड़े फैंस हैं, बुरा लगता है? अरे भाई, अरे उनको अब उनको अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बुरा नहीं लगता, नंबर 9 और नंबर 10 पर ऐसे क्या लगता है कि हम आरसीबी फैंस को बुरा नहीं लगता? ऐसे दिल पर पत्थर रख के हम भी आरसीबी की जो है तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। टॉप 4 की लड़ाई कर रहे हैं, बाकी की जो टीम है वो टॉप 4 की लड़ाई कर रहे हैं, ये 9 और 10 पर इनके बीच में गुत्थम गुत्था चल रहा है कि मैं 9 पर बैठूंगा या मैं 10 पर बैठूंगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विराट को जल्द से जल्द आरसीबी छोड़ देनी चाहिए, अब कहीं और चले जाना चाहिए, बस हो गया। अरे काहे की लॉयल्टी भैया। पर चलिए एक और पब्लिक कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि पब्लिक लगातार कमेंट कर रही है और कह रहे हैं दीपक तिवारी के आरसीबी मतलब रेयर चांस टू बॉलर्स। भैया दीपक जी, बॉलर्स हैं कहां? ये कौन से बॉलर हैं? ये रीस टोपली 3 ओवर में 34 रन, सिराज 3 ओवर में 37 रन, आकाशदीप 3.5 ओवर में 55 रन, ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर में 17, विजय कुमार व्यास 3 ओवर में 32, विल जैक्स 2 ओवर में 24। ये बॉलर हैं भैया, आप तो कौन है? इस बार की बात बता रहे हो? आरसीबी का अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, आरसीबी का अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो 180-190 के पार जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर टीम कोई हारी है तो वो रिकॉर्ड आईपीएल के अंदर आरसीबी इस टाइम पे टॉप करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि भले इनके बैट्समैन रन बनाते, लेकिन ओवर द इयर्स आप सीजन दर सीजन देख लीजिए, इनके पास बॉलर्स अच्छे नहीं रहे हैं। कितना मर्जी बड़ा टारगेट आ जाए, ये चेस करवा देंगे। अच्छा, इनके पास बड़ा दिल देखे अपने, और कह रहा हूँ बॉलर से इतनी नफरत है इनको कि ना तो इनके ये अपनी टीम में बॉलर्स रखते हैं, हर साल हारते हैं, ऑक्शन में जाते हैं, वहां पर भी बॉलर्स खरीद के नहीं लाते। करेक्ट बात है। तो मतलब ये देखेंगे, मतलब लोग लेग स्पिनर ढूंढते रह गए, कह रहे लेग स्पिनर नहीं है, इनके पास लेग स्पिनर नहीं है, जो था उसको छोड़ दिया, पहले उसके बाद आप करण शर्मा लेके आते हो, फिर आप कहते हो बैठ जा, पहले तेरे से नहीं कराना। पहले इन्होंने चहल को छोड़ा, चहल को छोड़कर इन्होंने शॉपिंग करी वो श्रीलंका वाले वकांडा फॉरएवर की, हसरंगा की, और फिर अब हसरंगा को भी छोड़ दिया और अब इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए, ये जो घटिया स्ट्रेटेजी है आरसीबी की, उसके बारे में तो लगातार हर मैच पर बात होती रहेगी। 0.6 सेकंड्स के अंदर धोनी भाई साहब 2.25 मीटर एकदम डाइव करके कैच पकड़ गए, धोनी की चाल, बाज की आंख, और पता नहीं कौन-कौन से सिद्धूबाजी के अलग-अलग वो विगोट यू। लेकिन मैक्सवेल साहब के 0.7 से ज्यादा टाइम था, 0.7 और सेकंड से ज्यादा, लेकिन देखो कैच छोड़ा तो कैच छोड़ा उसके बाद भी। लेकिन देखिए, आपको किस्मत जो है बेटर करने के लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी दोबारा देती है, आप अगर वहां पे कैपिटलाइज कर जाते हैं आपका नाम फिर थोड़ा सा ढंग से लोग लेने लगते हैं। लेकिन उसके बाद करें, अगर हाथ में बटन लगा कर बैठा है यार, पता नहीं बटन लगा के बैठा है क्या लगा के बैठा है। लेकिन स्काई का सूर्य कुमार यादव का भी 15 रनों पर कैच छोड़ दिया था आकाशदीप की बॉलिंग पर ही, और उसके बाद जैसे ही कैच छूटा फिर रन पड़े आकाशदीप का, जो गंदा आप जो हाल है बॉलिंग कार्ड में, उसके पीछे मैक्सवेल साहब का भी हाथ है। देखिए, हमारे घर वाले कहते हैं कोई अगर गंदी मछली हो ना उससे दूर रहा करो, मतलब एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है, इससे मैक्सवेल वही हाल कर रहा है। लेकिन चलिए पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं, आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल अपडेट हो गई है। क्या कह रही है पॉइंट्स टेबल? राजस्थान रॉयल्स 5 मैच में 4 जीत 1 हार के साथ 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट 0.87 का बढ़िया बढ़त बनाकर वो बैठे हुए हैं ऊपर, और साथ में सेकंड नंबर पर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोई भी टीम ऐसी नहीं बची है जो अजय हो या फिर कोई भी मैच ना हारी हो, कोलकाता नाइट राइडर्स भी 1 मैच हारी है, 3 मैच इन्होंने जीते हैं, 6 पॉइंट्स, लेकिन जबरदस्त नेट रन रेट 1.52 का कोलकाता नाइट राइडर्स हैं सेकंड स्पॉट पर। तीसरे स्पॉट पर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, 4 मैच में 3 जीत 6 पॉइंट्स के साथ चौथे, और मतलब 6 पॉइंट्स वालों को तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है भाई, क्योंकि चौथे नंबर पर 2 से लेकर 6 तक है मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं 5 मैचों से। सनराइजर्स हैदराबाद, इन्होंने भी बढ़िया वापसी करी है, लंबे लंबे शॉट लगाकर बड़े बड़े टारगेट बना रहे हैं, पैट कमिंस इनको सूट कर रहे हैं भाई साहब, 5 मैचों में 6 पॉइंट्स इनके भी है। और छठे नंबर पर गुजरात टाइटंस, इनके भी 6 मैच में 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, यानी कि 6 पॉइंट्स पर जो ट्रैफिक जैम है वो सेकंड स्पॉट से लेकर छठे स्पॉट तक 6 पॉइंट्स पर ही सारी टीमें बैठी हुई हैं। मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर, 5 मैच में अब इनकी हो गई है 2 जीत तो 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 7 पर आ गए हैं। पंजाब किंग्स 5 मैच में 2 जीत के साथ
इनके भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी ने एक मैच ज्यादा खेला है, दिल्ली कैपिटल्स कल एक मैच और खेल लेगी, पर मुझे लगता है कि ये नंबर, ये टेबल देख के आप मुझे बताओ 8, 9, 10 पे वैसे कुछ टीम है, आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी 3 टीमें जिन्होंने अभी तक आईपीएल नहीं जीता है पिछले 10 साल, इतने सालों में जब से आईपीएल शुरू हुआ है, बताइए। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, शायद पंजाब, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स है। और देखिए कंसिस्टेंसी, माय गॉड, ये कैसे पता आपको, कंसिस्टेंसी देखिए, ये टेक्निक है। आप सोचिए कि 2008 से आईपीएल हो रहा है, 2024 हो गया है, 16 साल के बच्चे हो गए हैं जो 2008 में पैदा हुए थे, लेकिन ये जो 3 टीम है कंसिस्टेंट भाई, कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि इनका समझ में नहीं आ रहा कि आईपीएल जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई इनका मन नहीं कर रहा है किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस देने का, लेकिन आप लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आप लगातार अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बढ़िया कॉमेंट्स कर रहे हैं, जरा देखते हैं क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में, क्या अगला कॉमेंट आया है हमारे एक्सपर्ट फैन का, केवन पीटरसन देख रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं यार व्यूअर्स, बढ़िया, संजू सैमसन वर्ल्ड कप में आएंगे, हार्दिक को कप्तान बनाओ केपी भाई, ये रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, अब हार्दिक को कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हार्दिक पांड्या को सांस नहीं लेने दे रहे थे शुरुआत में, जब से ये मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे। एक छोटी सी चीज बोलूंगा यहाँ, हाँ। बस मैं आपको एक बस चीज याद दिला रहा हूँ, हाँ। देखिए जयशाह साहब जो है वो भरे सभा के अंदर, हाँ। बोल चुके हैं कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जो है वो रोहित की कप्तानी में, उनकी कप्तानी में खेलने वाली है, और टीम इंडिया जो है वो अपना उठा लेगी कप रोहित भाई के साथ में, तो अब हार्दिक को तो कप्तान नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये सवाल, हाँ। अच्छा है कि संजू सैमसन बिल्कुल टीम में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बन रहा है कि टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर कौन होगा, संजू सैमसन बढ़िया ऑप्शन है, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नंबर 3 पर भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओपनिंग कर रहे हो, क्योंकि ओपनिंग में ऑलरेडी ट्रैफिक जैम है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में, और उसके अलावा ऋषभ पंत के बारे में बातें हो रही हैं, 2 बढ़िया 50 लगा चुके हैं ऋषभ पंत, अपनी फिटनेस का एक अच्छा सबूत दे चुके हैं, मुजाहरा दे चुके हैं, मुजाहरा दे चुके हैं, आज बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऋषभ पंत का भी वहां पर नाम है, ईशान किशन कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है लेकिन जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन किलर फॉर्म में है, किलर फॉर्म में है, और किलर फॉर्म के से मुझे याद आया कि केएल राहुल अभी ढंग की फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो भी क्या विकेट कीपर हो सकते हैं, कर तो रहे, तो भाई ये सारे के सारे सवाल हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कल कौन से मैच हैं आईपीएल में जिस पर आपको नजर रखनी है, लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल से, नॉर्दर्न डर्बी है ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में, डर्बी शर्बी तो कुछ नहीं है भाई साहब, मैं इतना बता रहा हूँ कि लखनऊ वाले अभी यहाँ पे अपर हैंड लेकर बैठे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के टीम के अंदर जो है आपके 2 ऐसे बंदे हैं जो ऐसा लगता है हमेशा एट लॉगरहेड्स रहते हैं, रिकी पॉन्टिंग, सौरभ गांगुली, भैया 2 तलवारें एक म्यान में कैसे रहेंगी, नहीं और मतलब ये मुझे नहीं पता कि ये एक म्यान में कैसे रहेंगे, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल शायद इस आईपीएल के टॉप 4 की रेस में ना रहे, जिस तरीके की घटिया परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, हालांकि आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का एक अलग कंपटीशन चल रहा है बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के नीचे, पर डोंट फॉरगेट पंजाब, पर क्या दिल्ली कैपिटल्स वापसी कर सकती है, आईपीएल के हर मैच के बाद जबरदस्त यहां पर आपसे बात करने के लिए आएंगे द क्रिकेट शो पर, हम लोग जी न्यूज पर लगातार हम द क्रिकेट शो लेकर आ रहे हैं, आईपीएल के हर मैच के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्यून इन करना है जी न्यूज को, टीवी पर देख रहे हैं तो जी न्यूज पर आ जाइए, अगर मोबाइल पर देख रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो जाती है तो वहां पर भी जी न्यूज के फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, और आप वहां पर आप हमें कॉमेंट्स भेज सकते हैं, आपके कॉमेंट्स को फीचर करेंगे हम लाइव शो में, तो आज के शो के लिए अभी के लिए बस इतना ही, मेरा नाम है चैनल स्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।